नाना मुझे छूना ना, दूर ही रहना। दूर ही है, दूर ही है, दूर ही है। सब दूर है, सब एक्टर। नाना जी को तो छोड़िए। ओह गॉड। लेकिन एक बात बताइए, ट्रैक्टर आप कहाँ से आए हैं बताइए। हेलो गरीब आदमी। शायद तुम नहीं जानते मुझे, मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। मैं यहाँ पर टीम खरीदने आई हूँ, क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम? पहले पेट में से फुटबॉल तो निकालो, क्रिकेट टीम बाद में खरीदना। खैर इससे क्या बात करूँ, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतनी अमीर औरत स्टेज पे आई है लेकिन किसी ने बैठने के लिए चेयर नहीं दी। तो हेलो, हम खानदानी लोग हैं, हम अपना बीन बैग साथ में लेके चलते हैं। लेकिन आज मैं अपनी टीम खरीदूंगी और मैं अपनी टीम्स के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, तो मैं आती हूँ टीम खरीदने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो जो मेरी टीम में आएगा बैटमैन, वो कभी भी आउट नहीं होगा। क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए एक सुपर बैट। मेरे नौकर कहाँ है? ये बैट। इससे आप कभी भी आउट नहीं होंगे, यू नो, कभी भी बॉल स्टंप को छू ही नहीं पाएगी। तो ये बैट मैं दूंगी सबसे पहले जो मुझे सबसे यहाँ पे हैंडसम लग रहा है, आपको। मुझे कम बालों वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये आपके लिए है। पगला कहीं का दीवाना निकला मेरा। अरे सिद्धार्थ कैसा है तू? ओह गॉड, मैंने किसी की परफॉर्मेंस नहीं देखी ग्राउंड में, लेकिन मैंने सिद्धार्थ जाधव की परफॉर्मेंस देखी है। यार ग्राउंड में क्या भागता है ये बंदा। ओ गॉड, जैसे ही ओवर खत्म होता है कोल्ड ड्रिंक लेके क्रिकेटर के पास ऐसे भागता है ना, फट से पानी ठंडा पहुंचा देता है। खैर बिपाशा तो नहीं बैठी यहाँ पे, यू नो, मेरे से नाराज है थोड़ी। अभी क्या बताऊँ मैं, हम तो अमीर लोग बड़ी गाड़ी में आ रहे थे, बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी थी बस की वेट के लिए। यू नो, आपको तो पता है मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है। अब मुझे क्या पता कीचड़ था, ड्राइवर ने गाड़ी गलत चला दी, सारा कीचड़ कपड़ों के ऊपर पड़ गया। मुझे कहने लगी भारती मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा हेलो बेबी, तुमने पूरे पहने कब है? ओह गॉड, और किसको चुनूं मैं? ये अपनी भोजपुरी टीम किधर है? यार मैं भोजपुरी टीम के जो भी हेड है कहूंगी कि रवि किशन को निकाल दिया जाए टीम से, क्योंकि ये इतने सुंदर है कि सुंदर लड़की है, ये बॉलिंग कैसे डालेंगे? ऑपोजिट टीम तो वैसे आउट हो जाएगी। मिस्टर मनोज तिवारी, मैं कहती हूँ प्लीज जोरदार तालियां बजाइए इस बंदे के लिए, इतना मेहनती है। अरे दो दो काम करता है, मूछे लगा के मनोज तिवारी, मूछे हटा के श्वेता तिवारी। लेकिन मैं आपको जरूर खरीदूंगी सर। टाइम आउट। हो आपकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ श्री मैम, आपने इतना अच्छा कम बैक किया है कि लोग दंग रह गए हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा बैक कम क्यों नहीं होता? तो गाइस मैं फिर से आऊंगी आप सबको खरीदने। जितने भी लड़के मुझे गंदी नजर से देख रहे हैं, प्लीज आप सबको बोल देती हूँ ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा किया है, अब बच्ची थोड़ी शादी में बिजी थी, सीख लेगी, यू नो। आप सबको मैं बता दूं, मैं हूं बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल।
लेकिन ये इतना बड़ा शो ओपन कर लिया, मुझे भुलाया क्यों नहीं? हाँ, आपको पता है मैंने कितनी कितनी बड़ी फिल्मों में अपने गाने कोरियोग्राफ किए, वो तो अलग बात है, मेरा नाम आगे नहीं आया। तो वो खिलाड़ी मैं हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं खेलूंगी CCL। एक्सक्यूज मी, कहाँ करनी बैटिंग जल्दी बताइए मेरे को, कहाँ पे करनी बैटिंग जल्दी बताइए मेरे को। हेलो, आप कौन है जो खामखा बीच में आ गए? CCL मैं खेल रही हूँ। अब पागल तो नहीं होगी, कभी किसी लड़की को देखा है क्रिकेट खेलते हुए? क्या कहा आपने? लड़की को देखा कभी क्रिकेट खेलते हुए? अरे क्यों नहीं देखा, श्रीलंका की टीम में है नहीं वो महिला जयवर्धन? अब बेवकूफ, ऐसी बात नहीं होती, आपको पता है कभी कभी नाम उलट पुलट हो जाते, जैसे अपना एक हीरो नहीं है शाइनी आहूजा, तो उसका नाम सुन के शाइनी लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल होगी, लेकिन एवरीबॉडी नोज शी इज अ मेल। वैसे ही महिला इज ऑल्सो मेल। अब हटिए, मेरे को खेलना है। आपको पता है CCL को मेरे से बड़ा खिलाड़ी मिल ही नहीं सकता। अच्छा जी, मेरे जो परदादा जी थे औरंगजेब के साथ क्रिकेट खेलते थे। औरंगजेब के साथ? किसके साथ? मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ? हाँ। हेलो, देखो जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता ये बादशाह वादशाह क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये सिर्फ जंग लड़ते थे। जंग किस लिए होती थी पता है? क्योंकि मेरे परदादा जी बोलते थे औरंगजेब तू आउट है, वो कहता था नॉट आउट, इसी चक्कर में जंग होती थी। आपको पता है मेरे दादाजी दिल से खेलते थे, दिल से, तभी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेला। क्यों? क्यों कहते थे क्या कटलरी के लिए क्या खेलना, कप प्लेटों के लिए खेलना है तो देश के लिए खेलो। आपको पता है इतने महान फैमिली से हम लोग। एक मिनट, एक दादा ये करते थे एक दादा वो। हेलो, तुम्हारे दादा कितने हैं? एक्चुअली जो मेरी दादी थी ना, हाँ? वो बड़ी जॉली नेचर की थी, तो हम लोग ऐसे किसी को प्यार से बोलते थे ना स्पॉट दादा, ड्रेस दादा, उसी के पीछे हो लेती थी, थोड़ी ऐसी थी। अच्छा, हाँ। क्या नाम था तुम्हारी दादी का? दादी का नाम हम तो प्यार प्यार से दादी दादी कहते थे बाहर, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट थी, बाहर लोग जानू जानू बोलते थे उसको। देखो मुझे तुम्हारी दादी सही नहीं लग रही कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, मेरे जो कजन दादाजी थे, मैं बता रहे भूल गए आपको, इतने ग्रेट थे, सचिन तेंदुलकर जानती हैं आप? बचपन में उनकी देखरेख में खेलते थे वो। अरे वाह, कैसे? कुछ नहीं, सचिन तेंदुलकर बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स आके बोलते थे मेरे दादाजी को, ध्यान रखना बच्चा खेलता खेलता बाहर ना निकल जाए। देखो ये लगता है मुझे बंदा झूठ बोल रहा है, आप यहाँ से निकलिए, CCL मैं ही खेलूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, और जो अच्छा डांस कर लेता है वो मैच भी अच्छा खेल लेता है। एक्सक्यूज मी, पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी, हमारे खून में बसा हुआ डांस। आपको पता गणेश आचार्य कौन है? वाओ यार, फेमस कोरियोग्राफर। जी वही गणेश आचार्य, वो मेरी सगी चाची है। वो क्या है आपकी? मेरी सगी चाची है वो। ओ, अरे वो औरत नहीं है, मर्द है। आप जिन दो आदमियों की बात कर रही हैं वो अलग हैं। आप उनकी बात कर रही हैं जो दो भाई एक ही शर्ट पहन के आते हैं, वो अलग है, मेरी चाची अलग है। देखो आप फालतू बोल रहे हो, CCL सिर्फ मैं ही खेलूंगी समझे, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, आप यहाँ से निकलो। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मेरे को डांस नहीं आता? डांस वांस से कुछ नहीं होता समझे, अच्छी कॉमेडी भी आनी चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। हाँ, आप एक एक वो दूसरे चैनल पे आती है ना वो कॉमेडी शो में, पहचान लिया है ना। थैंक यू। देखा आपने मुझे? नहीं, आपका शो नहीं देखा, मैं तो स्टार प्लस देख रहा था, लेकिन आप इतनी फैली हुई है कहीं ना कहीं पे पहुंच ही जाती है दूसरे चैनल पे। लेकिन आपको पता है मेरे को शुरू से पता था आप यहाँ पे आने वाली, सुबह से पता था। ओ गॉड, एक तो फेमस होने का यही नुकसान होता है, खबरें पहले ही लीक हो जाती है। खबर वबर कोई नहीं लीक हुई, आप आने वाली थी 6 बजे, आपका पेट 4:45 ही आ गया था, ऊपर से इतना भूखा पेट आते कहते मेरे को खाना दो, मैंने कहा भाई सबर कर मुंह को तो आने दे। अच्छा मैं मोटी हूँ, आप एक मिनट, मैच खेल ही नहीं सकते, ये देखिए पेट कैसे लटक रहा है। हाउ डे यू कॉल मी अनफिट, ये फिटनेस वाली बात कम से कम आप तो मत करें, मेरे को अनफिट बोल रही हैं आप। आपको पता है इनको 10 लीटर डीजल पिला दो ना, पूरे इवेंट की बिजली जनरेट करेगी, यू जनरेटर गर्ल। मुझे का? अरे मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। आपके बात बताऊं, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक आसन बताता हूं, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना। हाँ? अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ? फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ? फिर ऐसे राइट में, ये आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब का हुआ मुझे? जब भी कभी आपको कोई खाना ऑफर करे। CCL मैं खेलूंगा, CCL मैं ही खेलूंगी। आप खेलेंगी? एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, मैं बताता हूँ CCL कौन खेलेगा। CCL खेलेंगे। हाँ जी, टीम बॉय ना, मैं आ गया, टीम बॉय। अच्छा टीम बॉय सारे पूरे हो चुके हैं। हाँ? अभी टीम बॉय चाहिए।
हाँ हाँ है हमारे पास पूरा टी पॉट पड़ा हुआ, आप ले जाइए। ठीक है सर, मैं तो निकल रहा हूँ। नहीं नहीं एक मिनट, टी बॉय चाहिए। मैं तो ऐसे मस्ती कर रही, मैं डांस कर ही नहीं पाती, मैं तो 3 मिनट ज्यादा खड़े नहीं हो पाती, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। हाँ मेरे तो घुटने है ही नहीं, मैं तो चाय पीता नहीं। देखिए मेरे को नहीं करना है। अरे सुनो तो सर, टी बॉय चाहिए, टी गर्ल।